हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस घंटे को एंड नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम। दोस्तों, अगर आप भी मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मोहम्मद शमी ने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से मचाई ऐसी तबाही, थर थर कांप उठी दिल्ली की टीम। घातक गेंदबाजी सर दर्ज कराया है उन्होंने इतिहास के पन्नों में नाम। तो आखिर क्या कुछ हुआ दिल्ली और गुजरात के बीच खेले गए इस महामुकाबले में? कैसे शमी के साथ गुजरात के गेंदबाजों ने उड़ाए दिल्ली के परखच्चे? रोंगटे खड़े कर देने वाले इस महामुकाबले में कैसे घुटने टेकने पर मजबूर हुई दिल्ली कैपिटल्स की टीम? इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, मोहम्मद शमी और राशिद खान में कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, गुजरात के गढ़ अहमदाबाद के मैदान पर डिफेंडिंग चैंपियन के सामने दिल्ली कैपिटल्स की चुनौती दी। दोनों टीमों एक दूसरे को पटखनी देने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। ऐसे में इस महामुकाबले का गवाह बनने के लिए पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। जब सिक्का उछला तो दिल्ली के कप्तान डेविड वार्नर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका यह फैसला पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान हो जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें, दिल्ली के लिए रनों की बरसात करने के इरादे से कप्तान डेविड वार्नर के साथ फिल सॉल्ट की जोड़ी मैदान में उतरी। तो वहीं हार्दिक पांड्या ने पहले ही ओवर में विकेट चटकाने की कमान सौंप दी भारतीय सनसनी मोहम्मद शमी के कंधों पर, और इस गेंदबाज ने अपने कप्तान को निराश नहीं किया और पहली गेंद पर इतनी घातक डाली कि फिल सॉल्ट केवल देखते ही रह गए। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, मोहम्मद शमी के जाल में फंस चुके थे, जिनका आसान सा कैच डेविड मिलर ने लपक कर अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। बिना खाता खोले ही यह बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौटाया, लेकिन दोस्तों, यह तूफान पहले की शांति थी, उसके बाद पावर प्ले में गुजरात के गेंदबाजों ने ऐसा तबाही का मंजर दिखाया है जिसने दिल्ली के साथ साथ पूरे क्रिकेट जगत को सदमे में मिला दिया। ऐसा लगा कि गुजरात खुद काल बनकर दिल्ली के लिए मैदान में उतरी है। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए कप्तान हार्दिक पांड्या, उन्होंने आते ही एक नो बॉल कर दी और जिस फ्री हिट पर दिल्ली को फायदा उठाना चाहिए था, उस फ्री हिट पर कप्तान डेविड वार्नर रन आउट होकर चलते बने। इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला। केवल 5 रनों पर कप्तान भी पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट चुके थे। दिल्ली को तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। पहले दो ओवर में ही उन्होंने दो बल्लेबाजों को गवा दिया था। अभी से पूरा स्टेडियम गुजरात गुजरात के नारों से गूंज उठा था। दोस्तों, दिल्ली तो यहां से संभलना चाहती थी, लेकिन मोहम्मद शमी के इरादे तो कुछ और ही थे। वह दिल्ली के लिए यमराज बन गए और उन्होंने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से दिल्ली को ऐसे करारे जख्म देने शुरू किए जिन्हें भरपाना दिल्ली के लिए कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। जी हाँ, आप पारी के तीसरे ओवर में एक बार फिर मोहम्मद शमी गेंदबाजी करने आते हैं। इस बार उनके जाल में फंसे राइले रूसो। दोस्तों, आपको बता दें, बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में रूसो गलती कर बैठे और गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारे लेकर सीधा विकेट कीपर रिद्धिमान साहा के दस्तानों में चली गई और इस खिलाड़ी ने विकेट के पीछे कोई गलती नहीं की और लगातार 3 ओवर में दिल्ली ने अपने टॉप 3 बल्लेबाजों को गवा दिया था। जहां से अब मैदान पर प्रियम गर्ग के साथ मनीष पांडे की जोड़ी मौजूद थी, इन दोनों पर अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी थी। ऐसा लगा था कि यहां से दिल्ली संभल जाएगी, लेकिन दोस्तों, इतने में ही गुजरात कहां थमने वाली थी। उन्होंने तो हर ओवर में दिल्ली को 440 वोल्ट का झटका देने की ठान ली। चौथे ओवर में गेंदबाजी में बदलाव होता है। जोशुआ लिटिल ने भी लगभग आते ही प्रियम गर्ग को अपने जाल में फंसा लिया। बार बार उनका कैच लेने से राशिद खान ने बचा दिया और उन्हें जीवनदान में दिया, लेकिन इस जीवनदान को दिल्ली ज्यादा देर तक बचा नहीं पाई। जी हाँ दोस्तों, 5वें ओवर में तो मोहम्मद शमी ने दिल्ली को पूरी तरह से तहस नहस करने का मन बना लिया था। आपको बता दें, इस ओवर में मोहम्मद शमी ने एक नहीं बल्कि दो गेंदों पर दिल्ली के दो सबसे बड़े बल्लेबाजों को चलता कर दिल्ली की आधी पारी को समेट दिया था। जी हाँ, पहली ही गेंद पर उनके जाल में फंसे मनीष पांडे गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंकने के प्रयास में मनीष गलती कर बैठे और गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा विकेट कीपर रिद्धिमान साहा के दस्तानों में चली गई और यह बल्लेबाज भी बहुत जल्द अपने घुटने टेक कर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गया। दोस्तों, अब तक गिरे विकेटों पर दिल्ली टीम भरोसा कर पाती उससे पहले ही मोहम्मद शमी ने ओवर के अंतिम गेंद पर प्रियम गर्ग को भी चलता कर अपने 4 विकेट पूरे कर लिए। इसी के साथ केवल 23 रनों पर उन्होंने आधी दिल्ली की पारी को समेट दिया। अब तो देखकर ऐसा लगने लगा था कि बेंगलुरु के 49 रनों का रिकॉर्ड भी बहुत जल्द दिल्ली तोड़ने वाली है, क्योंकि बल्लेबाज तो केवल मोहम्मद शमी का शिकार बनाने के लिए मैदान में आ रहे
और पूरे स्टेडियम में केवल गुजरात के नारे से गूंज रहे थे। वहीं दिल्ली के खेमे में तो मातम का माहौल पैदा हुआ था। दोस्तों अब मैदान में अमन खान के साथ अक्षर पटेल की जोड़ी मौजूद थी। 6 ओवरों में दिल्ली 28 रनों तक पहुंच चुकी थी और उनके 5 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ा रहे थे। अब दिल्ली के अंतिम उम्मीद अक्षर पटेल थे। उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हुए संभल कर पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। वहीं अमन खान आक्रामक रुख अपना रहे थे। इन दोनों ने एक के बाद एक छक्का और 2 चौके जड़कर अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए। 8 ओवरों में दिल्ली ने 40 रन बना लिए थे, जहां से वह कम से कम अपनी टीम को फाइटिंग टोटल तक पहुंचाकर मुकाबले में वापसी कर सकते हैं। लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा और गुजरात आसानी से यह मुकाबला अपने नाम कर लेगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि गुजरात क्या फिर से डिफेंडिंग चैंपियन के खिताब को बचा पाएगी? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।